अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की युवा हमारी जो वीडियो है, ये जो है नेक्स्ट जो वीडियो है, मैं इससे पहले स्टेयरकेस का बता चुका हूं किस तरह से वहां पे वर्क होता है जो सेंटरिंग का। यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं आपको सेप्टिक टैंक के बारे में, यहाँ पे इनलेट किस तरह से दिया गया है, आउटलेट किस तरह से दिया गया है और साइजेस क्या दिया गया है सेप्टिक टैंक का बताता हूँ विद प्लानिंग के साथ। फुल डिटेल्स बने रहिए इस वीडियो पे, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि पीछे जो यहाँ पे है सेप्टिक टैंक दिया गया है, उसका हाइट कितना दिया गया है, इसका यहाँ पे कितना हाइट दिया गया है, यहाँ पे कितना विड्थ दिया गया है, उसका क्या पार्टीशन दिया गया है बताता हूँ इस वीडियो पे। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो फ्रेंड्स एंड एवरीवन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, ओके, यहाँ पे देर आर थ्री पोर्शंस हियर, देर आर थ्री सेक्शन हियर वी आर यूजिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू, सी हियर, ओके, दिस इज़ आउटलेट, दिस वन इज़ आउटलेट एंड दिस वन इज़ इनलेट, ओके। यू सी हियर डेट बिलो वन, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि विड्थ में यहाँ पे 2 फीट दिया गया है, ओके, और हाइट में यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 फीट दिया गया है, ओके, फॉर दी इनलेट के लिए, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे नीचे जो है 2.5 फीट दिया गया है, 2.5 फीट यहाँ पे हाइट में 2.5 फीट यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 फीट दिया गया है, विड्थ में ऐसा में 2 फीट दिया गया है, और ये जो यहाँ पे 4 फीट यहाँ पे ये है, टोटली ये 12 फीट का है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे जो टोटली ये जो गैप दिया गया है सेप्टिक टैंक के लिए, ये 12 फीट का है, और यहाँ से लेके यहाँ जो है 4 फीट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है लेंथ जो है इसका 12 फीट है, ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके ये पोर्शन से लेके ये पोर्शन तक आपको कितना मिलेगा सेप्टिक टैंक का, यहाँ पे 12 फीट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो 3 सेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, फर्स्ट जो सेक्शन रहेगा यहाँ पे 4 फीट का है, ओके, एंड देन जो नेक्स्ट पोर्शन जो है यहाँ पे 4 फीट को 2 इंचेस यहाँ पे कम है, 2 या 3 इंचेस यहाँ पे कम है, और यहाँ पे भी सेम एज वेल एस यहाँ पे भी 4 इंच को 4 फीट को 2 या 3 इंचेस यहाँ पे कम है, ओके। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पे जो गैप दिया गया है फॉर आउटलेट के लिए, जो वाटर होता है, जो सेडिमेंटेशन होता है, जो भी वेस्ट पार्टिकल्स, जो भी वेस्ट वाटर जो होता है जाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे दिया गया है आउटलेट के लिए, यहाँ पे 1 फीट का गैप दिया गया है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेजर किया हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस सेक्शन पोर्शन टू द टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक वी आर प्रोवाइडिंग हियर 1 फीट गैप, ओके, 1 फीट का यहाँ पे गैप प्रोवाइड करके यहाँ पे सेक्शन लिया गया है, और ये पूरा नीचे बॉटम में यहाँ पे टच हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बॉटम तक ये वाला टच हुआ है, और वहाँ पे गैप दिया गया है, यहाँ पे ये जो दिया गया है इतना बाद जगह पे पूरा ओपन रखते हैं, पूरा ओपन रखते हैं, बाद जगह पे ये गैप देते हैं, ये जो गैप दिया गया है यहाँ पे जो साइड में, यहाँ पे जो वॉल लिया गया है, जो सेक्शन लिया गया है, पार्टीशन लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग के लिए, यहाँ पे जैसा कि इसका हाइट भी ज़्यादा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे जो टोटल इसका जो हाइट है यहाँ से लेके टॉप से लेके नीचे बॉटम तक आपको 9 फीट 6 इंचेस या 8 इंचेस मिल जाएगा, 10 फीट को 4 इंचेस यहाँ पे टोटल इसका डेप्थ है, डेप्थ बोल सकते हैं और हाइट बोल सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पे आपको 3 फीट मिल जाएगा, ऐसे में 3 फीट मिल जाएगा, तो 6 इंचेस यहाँ पे छोड़ दिया गया है साइड से, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंचेस यहाँ पे छोड़ दिया गया है साइड में, और 6 इंचेस यहाँ पे साइड में छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 फीट लेंथ में, और डेप्थ में मिल जाएगा आपको 2.5 फीट मिल जाएगा, 2.5 फीट यहाँ पे ये वेस्ट पार्टी, जो भी वेस्ट वाटर होता है इसके लिए यहाँ से आएगा वाटर, जो भी रहेगा इनलेट में से वहाँ से नीचे से बॉटम से आएगा, आके यहाँ पे फुल हो जाएगा तो फिर यहाँ से चला जाएगा ये पोर्शन में, एंड यहाँ पे इसका आउटलेट रहेगा, ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन रहेगा ये पोर्शन में इसका आउटलेट रहेगा, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो रॉड्स यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे तो बेटर रहेगा फॉर दी, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कंक्रीट वॉल देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है कंक्रीट वॉल है, यहाँ पे रॉड को यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे ठहरा गया है, और वो फेस पे भी ठहरा गया है
कि इन फ्यूचर में जैसे कि ये बहुत हाइट है, इन फ्यूचर में नीचे सटल ना हो। जब भी आप करेंगे नीचे जितने भी रॉड्स रहेंगे एक इंच या दो इंच ड्रिल करके इंसर्ट कर देंगे, अंदर लगा देंगे जितने भी रॉड्स हैं, जितने भी बार्स हैं, जो नीचे वाले देख सकते हैं वहाँ पर जो होल्स वगैरह देख सकते हैं, होल्स पोर्स वगैरह इंसर्ट करके अंदर लगवा देंगे। उसके बाद जो ऊपर का जो आएगा हमें यहाँ तक रोकना नहीं चाहिए, जहाँ तक इसका यहाँ पर जो वॉल है वहाँ तक लेंगे तो सपोर्टिंग बहुत बढ़िया और बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप सपोर्टिंग देख सकते हैं, और यहाँ पे जो रॉड्स हैं यहाँ पे 8mm का बार यूज़ किया गया है 550D GSW का। यहाँ पे देख सकते हैं 550D, बताता हूँ बनी रही है इस वीडियो पे, देख सकते हैं 550D यहाँ पे ग्रेट यूज़ कर रहे हैं। डी स्टैंड फॉर डक्टाइल, डी का मतलब होता है डक्टाइल का होता है मतलब। और यहाँ पे जो रॉड है 8mm x 8 का यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाली भी लगाया गया है यहाँ पे, कबूतर जाली देने यहाँ पे सीमेंट पेश किया है। अभी इसको फिनिशिंग बाकी है, यहाँ पे रफ वर्क यहाँ पे हो चुका है, फिनिशिंग वर्क यहाँ पे बैलेंस है। आई विल टेल यू फिनिश इफ़ द वर्क इज़ डन फॉर द फिनिशिंग एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों जैसे कि बताइए आज की वीडियो आज की कैसी लगी, अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। आप यूट्यूब पर जाके या फिर गूगल पर जाके वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, एंड देन वहाँ पे बेल आइकन का बटन रहेगा, बेल आइकन बटन को वहाँ पे प्रेस करेंगे तो जितने भी हमारे न्यू नोटिफिकेशन रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलना है वो आपको मैं यहाँ पे फॉरगेट भूल गया हूँ, और यहाँ पे जो रॉड दिया गया है मेन बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन बार है यहाँ पे 12mm का दिया गया, ओके यहाँ पे 12mm का मेन बार देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से इसको हाइट भी किया गया है, पहले यहीं तक था और इसको हाइट यहाँ पे नियर टू 1 फीट यहाँ पे हाइट किया है, नीचे डाउन हो रहा है बोल के यहाँ पे इसको हाइट भी दिया गया है। और ये जो है सेंटरिंग में काम आएंगे, जब इसका यहाँ पे स्लैब कास्टिंग होगा यहाँ पे किस तरह से ये इसका सेंटरिंग वर्क लगाते हैं बताता हूँ मैं न्यू वीडियो में। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट फॉर दिस वीडियो एंड अदर वीडियो एंड ऑल वीडियोज़ यू कैन कमेंट इन एनी टाइम्स फॉर आवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू वॉन्ट एनी न्यू वीडियोज़ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर वर्क एंड बिल्डिंग वर्क यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो you can any suggestion give me suggestion for the new plants and new videos, and please don't forget for this subscribe our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and support for the 10k subscriber, and also all videos you can watch in YouTube channel, and also you can text in Google, you can complete watch this civil construction video. Thank you one and all, and our respected people and fresher civil engineers, take care yourself, Allah Hafiz, bye bye.